हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा मैं पयाना कार म्यूजियम, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार म्यूजियम है। अगर आप फ्रंट से देखें, एंट्रेंस देखें तो एकदम आपको टायर के जैसा देखने को मिल जाती है, पर ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा कार म्यूजियम है। तो इसमें आपको विंटेज कई सारे कार देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक लेफ्ट पे एक रेस्टोरेंट भी, और यहाँ पर आपको पार्किंग देखने को मिल जाती है। इधर जो दिख रहे हैं ना आप, एंट्रेंस आने के बाद यहाँ पर आपको पूरी पार्किंग है, तो आपके पार्किंग आखिर हर जगह। तो बने रहिए इस व्लॉग में, आपको मैं बताऊँगा पूरा म्यूजियम का टूर। सो गाइस, तो एंट्री यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ऊपर है, यहाँ पर पयाना कार म्यूजियम में आपको एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस इतनी अच्छी है कि सबसे पहले आपको ऊपर टायर के साथ शेप देखने को मिल जाता है, ये राउंड शेप में आकर। तो हर जगह अच्छे से अच्छी एंट्रीज है, और नीचे इधर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ गार्डन देखने का मिल जाता है, यहाँ पर ज़रा गार्डन के जैसा है। पर एंट्रेंस अपन टिकट लेंगे, टिकट का प्राइस कितना है वो सब आपको डिटेल में बोलूँगा मैं। तो गाइस, जो टिकट का जो प्राइस है ना, तकरीबन 50 रुपीज़ आकर, तो 50 रुपीज़ का टिकट प्राइस है ओवरऑल। सो गाइस, एंट्रेंस यहाँ पर है आकर, आप देखें तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर टिकट काउंटर है ओवरऑल। तो ये पूरा एंट्रेंस एंट्रेंस आकर, यहाँ का आकर म्यूजियम का, यहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है, और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं टिकट काउंटर। तो सबसे पहले अपन आते ही यहाँ पर आपको एक फीएट की कार देखने को मिलती है, और यहाँ पर उसका एक डमी पीस है, मतलब यहाँ पर आपको म्यूजियम का मिनिएचर देखने को मिल जाता है। मिनिएचर कैसा, अगर म्यूजियम का पूरा मिनिएचर है, तो मिनिएचर के ऊपर भी यहाँ पर आपको टायर का निशान देखने को मिल जाता है। अगर तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फीएट की कार देखने को मिलती है, अगर एंट्रेंस के ऊपर ही है, आप देख रहे थे 1962 की गाड़ी, आकर स्टैंडर्ड हार्लिन। और यहाँ से एंट्रेंस है, अपन एंट्रेंस यहाँ पर टिकट देना रहता है उनको, टिकट देने के बाद तो आपको इधर एंट्रेंस देखने को मिल जाता है। तो टिकट काउंटर पे आते ही यहाँ पर आपको पूरे हर जगह कार देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एक लॉरी का एक, आई मीन इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इधर आपको एक इंजन भी देखने को मिलता है आखिर कार के पास, यहाँ पर एक एंट्रेंस आते ही इधर आपको इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन आकर, और यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन, तो यहाँ पर था कुछ डमी पीसेस आकर मॉडल्स, और इधर भी। व्लॉग थोड़ा लंबा है क्या गाइस, पर आप पूरा देखिए, आपको मैं अच्छा सा टूर बताऊंगा आखिर इसमें। तो यहाँ पर आपको एवोल्यूशन बताएंगे आखिर व्हील्स कैसे है, पहले व्हील्स लकड़ी के आते थे, अब व्हील्स कैसे आने लगे आखिर। तो यहाँ पर 10,000 BC, 3,000 BC आप थोड़ा नोटिस कर बताएंगा। तो उधर म्यूजियम से वो सब दे दिए, एवोल्यूशन व्हील्स आपको इधर देखने को मिलता है। इधर आपको टायर्स के बारे में, टायर साइज पहले के दौर में घोड़ों पे बग्घी वगी आती ना, बग्घी आखिर देखने को मिलते हैं, और कई सारे आपको इधर कार्स आखिर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बोलूँगा आखिर। क्यों बोले तो आप इंजन पहले ऐसे आते थे, तो यहाँ पर आप इंजन देखिए प्रॉपर, आपको ऐसा इंजन देखने को दिए यहाँ पर हर जगह। दूसरी चीज़, यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन है खाली, तो आप अगर फिर आए तो कैसा अपना जो स्ट्रोक इंजन कैसा फिरता है इसमें आपको वही बताएंगे मैकेनिज्म। और यहाँ पर भी एक कार है, इधर भी थोड़ी बहुत और चीज़ आया आखिर, जैसे कि इंजन से पार्ट से रिलेटेड स्टीयरिंग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग बॉक्स ऐसा रहता आखिर, तो उतना सा मुझे आइडिया नहीं है आखिर, मैं आपको बता दूंगा। तो अब अपन आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पे आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे बग्घिया देखने को मिल जाते, लकड़ी के है, इधर आपको टायर्स के, जो घोड़ों पे जो बुलेट कार्ट्स बोलते हैं ना आखिर, तो बुलेट कार्ट के तरह आखिर देखने को मिलते। यहाँ पर एक कार है आखिर, और यहाँ पर भी एक विंटेज कार है। तो गाइस, यहाँ पर एक कार देखने को मिल जाती है, CVL हिंदुस्तान कम्युनिटी, तो हिंदुस्तान मोटर्स की यहाँ पर एक कार है, तो 1947 की, इधर आपको डिटेल्स वगैरह सब लिखे हुए गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कार है आखिर हिंदुस्तान मोटर्स की, तो अच्छी वेल मेंटेन में गाड़ी, एकदम आपको नीट और क्लीन देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी आपको कुछ कार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी कार है, पर इसमें हर चीज़ कर्नाटक में लिखे हुआ है। इधर भी आपको 1925 हीट 50 इटालियन कार है, तो इधर कार आखिर। और यहाँ पर भी आपको कार्स के मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, CVT, इधर भी हर चीज़ लिखे हुए हैं, आप कार्स को देखिए। यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कार है, तो इधर आखिर इंस्ट्रक्शन लिखे 1922 टॉप स्पीड 80 to 120 km/h टॉर्क एंड पावर, सब आपको डिटेल में इधर नीचे की तरफ लिखे हुए हैं ये कार्स आखिर। तो गाइस, यहाँ पर भी एक कार देखने को मिल जाती है आखिर,
तो हर जगह अच्छे अच्छे कार्स देखने को मिलते हैं, विंटेज कार। ज़्यादा कार्स के बारे में कोई आइडिया है नहीं, मतलब इतने जो पुराने कार्स हैं उस दौर में पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसके बारे में तो आइडिया रहेगा भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बहुत बड़ा अगर कार म्यूजियम है, अगर अगर आप नोटिस करें तो वहाँ पर बाइक सेक्शन भी है, बाइक सेक्शन के पास भी जाएंगे और इधर आपको कार्स के सेक्शन देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर फिर इनका कार है, यहाँ पर भी एक वाइट कलर में कार। आखिर ये कौन सी है, आई थिंक एम्बेसडर होंगी हिंदुस्तान मोटर्स की। और इधर भी कार है जो महाराजाओं के दौर के जो है। सो आखिर तो हाँ, इधर आपको हर जगह टॉर्क एंड पावर के डिटेल देखने को मिल जाती है। इधर कार बहुत अच्छी सी एकदम बिग साइज की। आखिर मैं थोड़ा फ्रेम में लूँगा, आखिर आप देखिए इधर जो जो भी कार को यूज करे आकर उनके फोटोज लगे हुए आकर। तो गाइस यहाँ पर आपको वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है इधर लगे तो। और यहाँ पर बाइक का सेक्शन है, आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और वॉशरूम की भी ली है। तो आप वाटर के ड्रिंकिंग वाटर के पास भी कार का एक फोटो लगा दिए। सो गाइस अब जब आएंगे बाइक से सेक्शन पे, तो यहाँ पर आपको बाइक से सेक्शन देखने को मिल जाता है। आखिर क्या क्या बाइक से सेक्शन है, रॉयल एनफील्ड है, तो चेतक है, बजाज चेतक, तो बाइक से रेवोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, एकदम यूनिक जो बाइक्स है ना, तो ये सब आपको बाइक से रेवोल्यूशन तक देखने को मिल जाती है। नूना है, चेतक, एम्पाला, स्कूटर्स, या हमा की RX 100 तक रखी हुई है। तो बाइक सेक्शन है और यहाँ पर एक कार है, आखिर वो भी इसको लंदन के साथ डिज़ाइन दे, पेरिस उतरे हुआ हर जगह। तो कार का मॉडल ये तो सेट्रॉन की कार, आखिर फ्रेंच कार है ना सेट्रॉन, तो मैप ऑफ पेरिस। तो गाइस बहुत ज़्यादा कार से आखिर मैं कैसा बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और के एक पार्ट नीचे भी आखिर, तो व्लॉग्स में मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा, वहाँ पर भी एक नीचे एक पार्ट है। तो नीचे और यूनिक्स कार आकर, बहुत ज़्यादा यूनिक्स कार है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से ही पहले ऊपर का सेक्शन कवर करके आपको मैं नीचे का सेक्शन पे जाएंगे। आकर मैं थोड़ा वीडियो रिवाइंड कर दूंगा म्यूजिक लगा के। गाइस यहाँ पर एक एम्बेसडर भी रखी हुई है, जो एक टाइम पे हर किसी की पसंद थी एम्बेसडर। यहाँ पर लिखी हुई है कार के डायमेंशंस। सो गाइस इधर एक जीप भी ठहरी हुई है, अगर आप जीप देख सकते हैं, तो जीप का डोर ओपन है। आकर कोई क्यों डोर ओपन कर दिए जीप का, तो ये जीप है दोस्तों, एक डोर फॉर इंडिया की आपको फुटेजेस बताऊंगा अंदर से। ये शेवलेट की इम्पाला, आप थोड़ा देखिए शेवलेट इम्पाला लिखे हुआ है, तो शेवलेट की इम्पाला कार आकर एकदम लेंथ में बहुत बड़ी गाड़ी, आकर बहुत लंबी है लेंथ में आकर। और यहाँ पर कई सारे कार्स आखिर, इधर भी एक कार आखिर। गाइस अपन जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सेक्शन है ना वहां पर जाएंगे। जो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के वास्ते आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, एकदम राउंड से स्टेप्स आखिर फ्लोर स्लाइड कर लेते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा आखिर यहाँ से कुछ होते हुए। तो यहाँ से जा रहे अपन नीचे, नीचे बहुत अच्छे कार्स हैं एकदम, थोड़े आपको इतने ज़्यादा ओल्ड नहीं है, न्यू वाले भी देखने को मिलते हैं, 19 के बाद कर रहा हूँ मैं, वो सब कार भी आपको देखने को मिलते हैं आखिर। सो गाइस नीचे सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर पैराशूट क्लाइंबिंग भी आकर, जो पैराशूट जो क्लाइंब करते हैं ना आकर, वो सब भी इधर। और इधर भी आपको बाइक्स का सेक्शन थोड़ा बहुत नीचे, यहाँ पर भी एक यूनिक सी कार है, बहुत अच्छी कार आकर, मैं बाद में बताऊँगा। और इधर आप देखिए पर तो सब स्कूटर्स का सेक्शन, और इधर है बाइक्स का सेक्शन, आप देखिए कौन से कौन से बाइक्स है, एक्सप्लोरर कहते हैं, तो ये कौन सी बाइक है मुझे आइडिया नहीं है, आप बाइक देखिए। और यहाँ पर भी है, इधर भी, और यहाँ पर एक जीप देखने को मिल जाती है, आई थिंक तो ये महिंद्रा की जीप है।
और यहाँ पर भी आपको कार का सेक्शन देखने को मिल जाता है, बहुत यूनिक से कार है, डू नॉट टच बोलिए लिखे हुए कार का सेक्शन। एम्बेसिडर भी है जो सबकी फेवरेट कार है, जो वाइट कलर में आती थी एम्बेसिडर, वो भी है, एम्बेसिडर भी रखी हुई है। और यहाँ पर भी एक कार आकर रखी हुई, सिक्स बोलिए नाम है कुछ SIX। लॉरी का सेक्शन तो आप लोगों को बता दिया मैं पहले के लॉरीज कैसे आते थे, ये मीडियम साइज की और ये आई मीन स्मॉल मीडियम लार्ज, लार्ज साइज की जो लॉरी है ना तो वो एक है आखिर आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मिलिट्री ट्रक भी देखने को मिल जाता है, मिलिट्री पहले के कैसे थे आखिर, मिलिट्री ट्रक इतना बड़ा मिलिट्री ट्रक का जो साइज है वो भी इधर है आखिर, इसकी स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर आखिर का। तो गाइस आज अपन अब जाएंगे अपन मर्सिडीज के सेक्शन पे, जो ये जो सेक्शन दिख रही है प्रॉपर मर्सिडीज सेक्शन है, आखिर मर्सिडीज के कार देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जावा देखने को मिलती है, आप देखिए जावा फिर इधर है ब्रांडिंग जावा की। टोयोटा की कोरोला भी है और BMW की 7 सीरीज, मर्सिडीज और यहाँ पर भी प्रॉपर मर्सिडीज है। और वहाँ को सी गाड़ी आगे जाके देखिए वो मज़दा है उधर रखी भी, तो ये कौन सी गाड़ी आखिर, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। ये कैडिलैक आखिर, कैडिलैक 1989 की है आखिर कैडिलैक। और ये कौन सी गाड़ी है अभी चेक करेंगे अपन, तो ये तो सब कर्नाटक में, आप लोग मुझे बताइए कौन सी गाड़ी है। और ये मज़दा आखिर जो प्रॉपर मज़दा, मज़दा इंडिया में है नहीं पर यहाँ पर मज़दा की कार है। ये मज़दा के सेक्शन में आ गए, तो मज़दा की बहुत पुरानी गाड़ी है, आप देखिए मज़दा का लोगो पहले कैसा था। और यहाँ सब इंस्ट्रक्शन लिखे हैं मज़दा, तो गाइस यहाँ पर मज़दा है और मज़दा तो बोल जाओ, और बहुत सारे कार्स हैं इधर। यहाँ पर भी आपको एक हिंदुस्तान की गाड़ी देखने को मिल जाती है, ये कौन सी है, कॉन्स्टेंसा क्लासिक, उस टाइम के कार के ज़्यादा नामा पता नहीं है मुझे आखिर। और इधर भी एक एम्बेसडर है, और यहाँ कौन सी गाड़ी है, ये इसको क्यों आखिर लोगों आखिर बोल विंटेज कार में ऐड किए रहे, तो यहाँ कर्नाटक में लेके पता नहीं है मैं आखिर। और दूसरी चीज यहाँ पर एक टेम्पो ट्रैवलर है, वो भी पेंट करी भी, कितनी यूनिक टेम्पो ट्रैवलर दिख रही पेंट करी जो है सो। और पीछे भी आपको 800 है शायद मारुति की सुजुकी 800 देखने को मिलती है, वो भी बहुत पुरानी वाली 800 है। और इस यहाँ पर भी आपको व्हील एक कार है जीप जो गोल गोल पर रही, तो वो भी रख दिए सो यहाँ पर आप देखिए, तो राउंड पर आकर इस पर रख दिया आखिर शो। और गाइस यहाँ पर भी एक कार ठहरी हुई आखिर, और उस टाइम का JCB बोलते हैं ना पुराने वाला JCB वो एक है। और ये कौन सी गाड़ी, बहुत पुरानी सी है और बहुत छोटी सिर्फ 2 सीटर वाली कार है। और यहाँ पर उस दौर का JCB है, अब JCB है पहले कैसे थे आखिर, अब कितने कितने बड़े से JCB आ गए। वो वाले सेक्शन पे भी जाएंगे कार्स का, वहाँ पर कौन से JCB देखिए आप। अब गाइस अपन आएंगे ये वाले सेक्शन पे, यहाँ पर थोड़े बहुत आपको मॉडर्न कार देखने को मिलते हैं, जैसा कि ये टोयोटा की, ये कौन सी कार है मुझे पता नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर 2005 की Hyundai की सोनाटा, ये Hyundai की सोनाटा आखिर 2005 की Hyundai सोनाटा गोल्ड, ये भी अच्छी प्रीमियम सी कार थी उस टाइम की Hyundai की। और यहाँ पर भी एक कार आखिर, इधर भी एक कार है, इधर पुरानी 2008 की वरना तक है, और मारुति 800 वगैरह ये सब कार्स भी आपको देखना, 2006 की वरना है और 1993 की मारुति 800 है, और इधर भी कुछ कार्स है। तो गाइस ओवरऑल इतना ही सा आखिर म्यूजियम और ख़त्म हो गया, इतना ही सा म्यूजियम है। यहाँ पर आपको जो बैठने का सेक्शन है आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बैठ के रेस्ट करने का सेक्शन है, और ओवरऑल म्यूजियम इतना ही है। अगर आपको ये शॉट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर भी एक सेक्शन है, इधर आपको इंजन से स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, इंजन से रिलेटेड पार्ट्स वगैरह, इंजन पार्ट्स कैसे है, तो ये वाले सेक्शन पे, ये वाले सेक्शन भी कवर करेंगे। जो सेक्शन है थोड़ा हटके, तो यहाँ पर आपको पुराने दौर के टैंक्स और मिसाइल्स देखने को मिल जाते हैं, वेपन्स भी इधर, गन्स और शॉट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको गन्स आकर और शॉट्स है, तो ये जो सेक्शन है ना थोड़ा पुराना सेक्शन है, मतलब थोड़ा बहुत आप विंटेज सेक्शन टाइप दिखेंगे आपको, शॉट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर तलवार है बहुत तेज है, हाथ कट जाएगा। और बाकी के जो सेक्शंस वगैरह पे इधर आपको वो इंजन से रिलेटेड बताएंगे, इंजन पार्ट्स वगैरह जो भी है ना, तो वो सब चीज़ आए। ऊपर खंडेला है, और ये थोड़ा हटके सेक्शन है इसलिए,
यहाँ पर फोटोज वगैरह है किसी के। इधर आपको करेंसी का सेक्शन भी आखिर करेंसी आखिर यहाँ पर कॉइन्स का सेक्शन, इधर के कई सारे अलग सेक्शन है। आखिर यहाँ पर फोन फोन का एवोल्यूशन है, आखिर पहले कैसे फोन थे। यहाँ पर आयरन है, रेडियो, कैमरा, ये सब चीज़ों का, और कटोरे, मटके वगैरह सब चीज़ों का सेक्शन आपको इधर देखने को मिल जाता है। आखिर तो बहुत अलग अलग है, मैं कितना बताऊँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही मुझे पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कैसा भी।